हमारा वर्ल्ड कप तो तभी समाप्त हो गया था जब न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराया था, या फिर कहें हमारा वर्ल्ड कप तो उसी समय समाप्त हो गया था जब भारत न्यूजीलैंड से हारा था, क्योंकि ये जो ग्रुप टू था इसमें सिर्फ तीन ही तो एक्चुअली अच्छी टीम थी ना, पाकिस्तान, भारत और न्यूजीलैंड। अब इनमें से आपको एक टीम को जरूर हराना था, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ आप जीत जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान है यार मतलब अच्छी टीम है, पर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड तो नहीं है ना, मतलब आप अफगानिस्तान को हराएंगे और बाकी दो आपके एसोसिएट नेशन है जो क्वालिफाई करके यहां तक पहुंचे अच्छे हैं, पर देन जस्ट थिंक अबाउट कि आप कहां हैं और वो कहां है, तो फिर यहां पर इट्स टू लिटिल टू लेट। आपने मुकाबले जीते हैं, एक बार फिर आपने ये एक और टीम को बड़े बड़े मार्जिन से आपने हरा दिया है, पर इट्स नॉट अबाउट द नेट रन रेट एनी मोर, इट इज अबाउट अ बिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कि भाई हम कहां गलती हुई, हमसे कहां काम पीछे रह गए और आगे का रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि एक एरा भी अब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, वो है रवि शास्त्री जी का बतौर कोच का जो उनका जो टेन्योर था दैट्स ओवर, विराट कोहली द T20 आई कैप्टन दैट टेन्योर इज ओवर, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एंड हुआ है दोनों के ही टेन्योर्स का, हालांकि दोनों की ये जोड़ी थी इन्होंने काम बहुत अच्छे से किया, उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। और आज मेरा जो आपके लिए ट्रिविया है वो ये है कि विच इंडियन बोलर और रादर बोलर्स हैव द बेस्ट इकोनॉमी रेट, मतलब एक सिंगल T20I वर्ल्ड कप की इनिंग्स की अगर हम बात करें, T20I इनिंग्स एक्चुअली नॉट द वर्ल्ड कप्स, जिन्होंने चार ओवर पूरे डाले, तो वो दो ऐसे कौन से गेंदबाज थे जिनका सबसे अच्छा इकोनॉमी रहा, इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस आकाशवाणी, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत है। और इस मुकाबले की बात कर लेते हैं, पहले नामीबिया वाले मैच की बात कर लेते हैं, सिर्फ एक ही बदलाव के साथ भारत उतरा, और आप सोच रहे थे यार सिर्फ एक ही क्यों, इस मुकाबले में आप किसी को भी खिला लो ना, क्योंकि देखिए इसके बाद तीन मुकाबले आपके न्यूजीलैंड के साथ भी है, और न्यूजीलैंड के साथ आप अगर विश्राम देने की सोच रहे हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की सोच रहे हैं, उसकी भी टीम आने वाली है, वैसे मैं देखना चाहता हूं कि कौन कप्तान बने, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूं रोहित शर्मा कप्तान बने, अब वो कहें कि भाई अब उनका वर्कलोड मैनेज करना है, इज बीन इन अ बबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई टोटली गेट इट ऑनेस्टली, मैं तो खुद इस बबल को तोड़ फाड़ के बाहर जाना चाहता हूँ, थक गया मैं भी, और मैं तो सिर्फ दो महीने से रहा हूँ, ये तो पिछले छह महीने से रहे हैं, पर अगर राहुल को कप्तान बनाया तो फिर राहुल भी तो सारे मैच खेले इंग्लैंड में, फिर IPL, फिर वर्ल्ड कप, उनको भी कप्तान नहीं बनाओगे, किसी और को बना दोगे तो फिर नया वो जो कहते हैं नए सफर की शुरुआत हुई कहां पे, क्योंकि इस T20I सीरीज के बाद जो न्यूजीलैंड वाली, उसके बाद तो जनवरी में है यार एंड में T20I, तो फिर कहे का वो पासिंग ओवर द बैटन होगा वो नहीं होने वाला, तो मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा को आप वहां पे कप्तान बनाइए, लेकिन यहां रेस्ट करा सकते थे, इस मुकाबले में आप कह सकते थे चलो जी रोहित आप मत खेलो यार रेस्ट कर लो, हम ईशान को यहां ओपन करा लेते हैं, आप अश्विन ठीक है आप भी रेस्ट कर लीजिए, हमने यहाँ पे राहुल चौर और वरुण चक्रवर्ती दोनों को खिला लेते हैं, और अगर शार्दुल ठाकुर ठीक ठाक से बैटिंग कर रहे हैं तो भैया जड्डू आप भी रेस्ट कर लो, हम शार्दुल ठाकुर को खिला लेते हैं, क्योंकि नामीबिया के खिलाफ जीतने के लिए तो भैया आपको फुल स्ट्रेंथ टीम उतारने की भी वेरी ऑनेस्ट आवश्यकता नहीं थी, पर उतारी, टॉस जीते हैं कोहली, और टॉस मतलब कब, जब से बर्थडे गया ना 33वां, तब से टॉस जीतनी शुरू कर दी है, समय बदल चुका है, पर अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुकाबलों में वो टॉस करते नजर ही नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि IPL के भी कप्तान नहीं है, T20I के भी कप्तान नहीं है, अब सिर्फ टेस्ट और वनडे के कप्तान, और वनडे के कप्तान कितने दिन रहेंगे वी रियली डोंट नो, दैट इज अप इन द एयर, क्योंकि वो दो वो जो थोड़ा फिलोसॉफिकल नहीं कहूंगा, फिलोसॉफिकल नहीं है, पर वो फिलोसॉफी और टीम के एक इथॉस वाला भी कोई डिसीजन लेगा, सिलेक्शन कमेटी लेने वाली है कि भाई हम किस तरफ जाना चाहते हैं, सो दैट्स द थिंग दैट वी शैल डिस्कस लेटर, पर इस मैच की बात करते हैं, गेंदबाजी की शुरुआत की बुमराह ने, साथ मिले शामी, और शामी के ना 4 में 40 गए नियरली इस मुकाबले में, तो ये नामीबिया के सामने अगर 4 में 40 जा रहे हैं आपके, पाकिस्तान के सामने 4 में 40 जा रहे हैं, तो ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड दैट्स बीन द स्टोरी ऑफ शामी की, बहुत जिस दिन अच्छा होते हैं कमाल करते हैं, टेस्ट का नंबर वन बोलर है, पर T20 वनडे भी बहुत अच्छा है, T20 में ना ये ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत बात होता है, जसप्रीत बुमराह ने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया एक्चुअली इस बार, क्योंकि जो आती है ना सिर्फ यॉर्कर डाल रहे हैं, यॉर्कर या स्लोवन कुछ तो हुआ है जो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत अच्छी थी, 33 रन बनाए थे भाई शुरुआत में ही उनकी ओपनिंग साझेदारी, लेकिन उसके बाद फिर स्पिन आई, रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, स्पिन ट्विन, और 3-3 विकेट दोनों ने चटका ली, और फिर कहां बचा था इन तिलों में, कहां तेल था, फिर वो नहीं हुआ, आप 130-132 तक पहुंचे, आपने पूरे 20 ओवर भी खेले, पर प्रिटी मच लाइक डन एंड डस्टेड कि इतने रन तो भारत ने बनाने हैं, और भारत ने बनाए भी अच्छे अंदाज में बनाया, मतलब 15.5 कुछ ओवर में काटा, आ बाय बाय, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जिसमें पहले रोहित शर्मा क्योंकि नाश्ते में दूध की जगह नहीं, दूध के साथ कॉन्फ्लेक्स नहीं, दूध के साथ वो भागे खाकर आए थे, क्योंकि शुरू में कैच भी छूट रहा है, दो फील्डर के बीच में भी गिर रही है, सामने भी गिर जा रही है, रोहित शर्मा को हमने इस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बहुत समय से देखा नहीं है, पर भागे का साथ था, और अर्धशतक वो भी पहुंच गए, और शतक राहुल ने भी बनाया, लेकिन जब राहुल ने कुछ शॉट मारे ना, बाबा बाबा बाबा, एक शॉट है उनका, उसका नाम को मैं रख रहा हूं चम्मच शॉट,
वो स्पून शॉट, वो स्पून करते हैं कुछ ऐसा करना, ऐसे करके कुछ मारते हैं, उसको एले के ऊपर छक्का होता है, दूसरे तीसरे टीयर में गेंद जाती है और आप कहते हो वाह भाई केएल राहुल कमाल है, लाजवाब है, बंदे का नाम राहुल है, ही इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल, इंडिया नंबर वन टी ट्वेंटी बैटर इज केएल राहुल। और मैं तो कह रहा हूं जो दूसरे राहुल आएंगे ना, ये इंश्योर करना कि ये राहुल हमेशा ऐसी बैटिंग करे, चाहे मतलब थोड़ा फॉर्म ऊपर हो नीचे हो, इनको आजादी दो, अगर ये आजादी के साथ खेलते रहेंगे ना तो ही कुड बी इंडिया जॉस बटलर फॉर एग्जाम्पल, मतलब और वहां तो सिर्फ जॉस बटलर कई बार अकेले पड़ जाते हैं, रॉय रोहित नहीं है तो वो दोनों मिलकर तो मतलब अलग ही काम कर सकते हैं, पर जब ये दोनों मैदान थे तो हमें एक बात पता चली, क्या म्यूचुअल फंड्स या फिर क्रिकेट भी बेचो, लंबे समय तक टिके रहना ही सही है भाई, बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की, उसके बाद जब रोहित आउट होते हैं तो सूर्य कुमार यादव आते हैं, मतलब कोहली ने बैटिंग ही नहीं की है, कोहली ने ना तो स्कॉटलैंड नमीबिया अफगानिस्तान कितनी बैटिंग की है, कुछ लगे छह बॉल नहीं खेले, तो स्काई आते हैं वो स्काई में बॉल मारते हैं, इवेंचुअली भारत जीत जाता, 9 विकेट से मुकाबला जीत गया, एक और जीत था, पर इस जीत को आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इन आंकड़ों को भी आप बहुत यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब इवन अ फिस्ट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि अगर आप पिछले 3 मुकाबले उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि रोहित और राहुल दोनों ने बहुत बढ़िया बैटिंग की और बहुत रन बनाए, तो इन दी एंड वर्ल्ड कप की अगर आप औसत देखेंगे 2021 का T20 वर्ल्ड कप बल्लेबाजों की हमारी कैसी औसत थी भाई, आउटस्टैंडिंग, दोनों के आंकड़े आपको बहुत अच्छे प्रभावशाली लगेंगे, पर दीज रन डू नॉट मैटर, यही दैट्स द सैड स्टोरी, अगर तो वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ आपने रन नहीं बनाए तो बाकी सारे रन की ना उतनी वैल्यू नहीं रह जाती है, अगर आपने वहां पे बना लिए तो ये सारे भी फिर ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने वहां 2 नहीं बनाए तो उसके नीचे के जितने रन हैं दे आर एक्चुअली नॉट द वर्ल्ड कप रन, जिनकी आप बहुत लंबे समय तक कोई बात करें, इनफैक्ट बात करनी ही नहीं चाहिए, सेम इज द केस विद द बोलिंग, कि भाई अगर आपने पहले 2 मुकाबलों में अगर विकेट नहीं चटकाए, मतलब पहले मैच में इंडिया ने एक भी विकेट नहीं दिया, दूसरे मैच में भारत ने सिर्फ 2 विकेट लिए, उसे बुमराह ने लिए थे, उसके बाद जो भी कुछ होता है अफगानिस्तान नामीबिया स्कॉटलैंड दोज परफॉर्मेंसेज डोंट रियली मैटर, आई नो ये थोड़ा दिल को चुभने वाली बात है कि भारत के लिए खेले तो क्यों परफॉर्मेंस काउंट नहीं होगी, लेकिन होनी नहीं चाहिए, मतलब आंकड़ों में जाएगी बट दे डोंट रियली मैटर, यू नो व्हाट आई मीन राइट। पर अब जब रवि शास्त्री जी का भी टेन्योर खत्म होता है तो उनकी एक कहानी जरूर है कि भाई क्या छोड़ के गए हैं पीछे, एक अच्छी टेस्ट टीम छोड़ के गए, एक टेस्ट टीम में फिलॉसफी छोड़ के गए हैं कि हम मीटिंग फायर विद फायर, हम 5 बॉलर खिलाएंगे, हम 20 विकेट चटकाएंगे, 250 रन भी अगर हम बना सकते हैं इट्स ओके, बट हम सामने वाली टीम को 225 पे आउट करेंगे, सो दैट इज द टीम ईथॉस, टीम का वो जो कहते हैं फैब्रिक जो चेंज करके गए हैं, सो दैट इज रवि शास्त्री लेगेसी इन माई ओपिनियन विद विराट कोहली इन टेस्ट मैच क्रिकेट। T20 और वनडे की मैं बात करूंगा तो कोई लेगेसी इसलिए नहीं छोड़ के गए, एक तो कोई T20 मतलब ऑफकोर्स ये कैंपेन खराब रहा, 2019 का सेमीफाइनल पहुंचे, ICC कोई इवेंट आपने जीता नहीं, जबकि आपके उस समय पे 3 ICC के इवेंट्स हुए जिनके फाइनल्स में या सेमीफाइनल्स में आप हार गए, एक में आप आगे ही नहीं गए, पर ना खेलने के अंदाज को कुछ नहीं, आप कोई फिलॉसफी छोड़ के नहीं गए, तो जो फिलॉसफी या फिर एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो आप एसोसिएट करते हैं टेस्ट से वनडे T20 में इट्स नॉट देयर, वी प्ले वी डू वेल, ओपनर्स अच्छा करते जीत जाते हैं, विराट रन आते जीत जाते हैं, पर टीम के खेलने का कोई एक मतलब कोई तरीका नहीं है, तो वो तरीका अगर नहीं छोड़ के जा रहे इसका मतलब आपको लेगेसी आपने वहां नहीं छोड़ी, तो वो दैट विल बी समथिंग दैट ही वोंट बी वेरी हैप्पी अबाउट, पर क्या कहते हैं अपना इन टेस्ट मैच क्रिकेट He's done phenomenally well and he should be very proud of it. अब जो मैंने आपसे सवाल पूछा था प्रिविया जो था वो ये था कि कौन से इंडियन बोलर हैं जिनको जिनकी बेस्ट इकोनॉमी रेट है सिंगल T20 इनिंग्स जब 4 ओवर पूरे डाले, रविचंद्रन अश्विन भुवनेश्वर कुमार इकोनॉमी 2 की थी, अश्विन ने February 2016 में काम किया था, भुवी ने March 2016 में, क्या बात है, दोनों ने 2016 में किया था, तालियां। आज के लिए इतना ही, आपको लाइक करना है शेयर करना है अपने प्रोफाइल पे पिन करना है कमेंट सेक्शन को भर देना और दोस्तों को बताना है कि पूरे वर्ल्ड कप की कहानी आपको कहां मिलती है, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स #आकाशवाणी। तैयारी देखिए, ड्राइव देखिए, अरे खूबसूरत प्ले ऑफ ड्राइव, फिर ऑन ड्राइव और स्वीप भी बढ़िया मारते हैं, चलिए हेलमेट उतार दिया, बॉल बदल ली लेकिन खेलने का अंदाज नहीं, थोड़ी पुल की प्रैक्टिस अलोंग द ग्राउंड, बैक फुट डिफेंस, फ्रंट फुट डिफेंस, क्या बात है, ओह ओवर द टॉप, अलग अलग अंदाज में, अरे क्या ड्राइव है यार, खूबसूरत भैया, बहुत खूबसूरत, किसकी याद दिला रहे हैं ये, आपकी टोपी पहनी है और गेंदबाजों को टोपी पहनाएंगे, ये इतनी बढ़िया करते हैं, अरे क्या बात, ऑफ स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर शॉट, सुपर, कौन कहता है कि आपको जगह बड़ी चाहिए, अरे वाह, जगह नहीं आपको सपने बड़े चाहिए,